हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको कूल डाउन एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कूल डाउन एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है। कूल डाउन एक्सरसाइजेस से बॉडी में इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो ठीक होने लगता है और हार्ट और मसल्स में स्ट्रेसेस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो बस आपको अपने वर्कआउट के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए इन सारे कूल डाउन एक्सरसाइजेस को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेस से। स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हुए आपको अपने राइट नी को बेंड करना है। आप अपने एंकल को एक हैंड से या दोनों हैंड से होल्ड कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपके दोनों नीज एक दूसरे के पास ही रहे। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड्स तक होल्ड रखें। अब इसी तरीके से आपको दूसरे लेग में भी करना है। अब नेक्स्ट है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। स्टैंडिंग पोजीशन से आप अपने बॉडी को फ्रंट साइड में बेंड कीजिए। अब आप अपने हैंड्स को ग्राउंड से टच कीजिए। अगर आपका हैंड ग्राउंड से टच नहीं होता है तो भी आप नॉर्मली बेंड रखिए। इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक होल्ड रखिए। अब है लेग रिलैक्सेशन। इसमें आपको अपने लेग को स्ट्रेट करते हुए बैठना है, फिर आपको अपने लेग को लेफ्ट और राइट साइड मूव करते रहना है। नेक्स्ट है सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसमें आपको अपने लेग को स्ट्रेट रखकर बैठना है। अब फॉरवर्ड बेंड होते हुए आपको अपने हैंड से अपने टोस को टच करना है। इस पोजीशन को एटलीस्ट 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। नेक्स्ट है हेड टू नी फॉरवर्ड बेंड। इसमें आपको अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखना है और राइट लेग को बेंड करना है। अब आपको अपने अपर एब्डोमेन को बेंड करते हुए नोज को अपने नीज के साथ टच करना है और हैंड्स को अपने टोज के साथ टच करना है। इस पोजीशन को 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अब इसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी करना है। अब नेक्स्ट है नी टू चेस्ट पोज। पीठ के बल लेटते हुए आपको अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है और नीज को अपने चेस्ट तक लाने की कोशिश करना है। इस पोजीशन को एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। अब इसी तरीके से आपको अपने राइट लेग पे भी करना है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई पोज। नॉर्मली सिटिंग पोजीशन में आपको अपने लेग्स को बेंड करते हुए अपने टोज और हील्स को एक साथ ज्वाइन रखना है और हैंड्स को आप टोस को ज्वाइन कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक होल्ड रखिए। नेक्स्ट है चाइल्ड पोज। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है और अपने अपर एब्डोमेन को फ्रंट साइड में बेंड करना है। ध्यान रहे कि आपका फोरहेड ग्राउंड से टच हो। इस पोजीशन को 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट है पर्वतासन या माउंट पोज। इसमें सबसे पहले आपको अपने पेट के बल लेटना है, हैंड्स और लेग को स्टेबल रखते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे कि आपका स्पाइन और आपके लेग स्ट्रेट हो। इस पोजीशन को एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक होल्ड रखना है। आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आपके स्पाइन में दर्द है तो आप एक्सरसाइजेस को फोर्सफुली ना करें। एक्सरसाइज के दौरान अपने ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें।